Good afternoon, friends. This is Mahesh, and welcome you all on NTF Digital Platform. Friends, आज का जो सेशन रहेगा ये बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे और वो चीजें डिस्कस करेंगे जिसका सीटेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले बात करने वाले हैं अभी जो नया पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं उनको हमें थोड़ा सा फोकस करना है, और सेकेंड थिंग जो हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं वो ये भी कंसिडर करके चल रहे हैं कि किस तरीके की स्ट्रेटजी हमें यूज करनी है इस सीटेट के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NTF, दिस इज अ बेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स यू क्रैक एनी टाइप ऑफ टीचर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इट मे बी स्टेट और सेंट्रल। आप किसी भी टीचर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, तो NTF एक बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और ये चीज मैं आपको इस बार और ज्यादा दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन होगी वो ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन को अगर ध्यान में रखकर अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। एक बेहतरीन टीम, उनका एक्सपीरियंस आपको आपके सपने को पूरा करने में जरूर हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स वेलकम यू बैक अगेन ऑन NTF एप्लीकेशन। और जहां तक हम बात करें NTF की, तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यहां से आप किसी भी स्टेट और सेंट्रल की जो भी टीचर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी भी यहां से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़कर अपने नॉलेज और अपकमिंग अपडेशन के साथ रह सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं आज का। सबसे पहले दो चीजें हम लोग समझ लेते हैं अपकमिंग सीटेट के बारे में। पहली बात, अब जो सीटेट होने वाला है या अपकमिंग जो सीटेट है एक्सपेक्टेड है इट विल बी एंड ऑफ दिसंबर 2021 और मे बी एक्सपेक्टेड ऑन जनवरी 2022। तो फ्रेंड ये मान के चलिए कि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है, अगस्त इज अबाउट टू कंप्लीट, अगस्त लगभग खत्म हो चुका है, यू हैव मोस्ट प्रोबेबली 4 months, मैक्सिमम 4 महीने आपके हाथ में है। और अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार जो एग्जाम होगी वो होगी आपकी ऑनलाइन, पहली बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जा रही है। दूसरी बात, आपने अभी देखा होगा कि जो सीटेट CBSE जो एग्जाम कंडक्ट करवाता था वो 1 to 5th और 6 to 8th तक दो ही पार्ट में हो रही थी। अपकमिंग मतलब इस बैच के बाद अगले फ्यूचर में जो भी एग्जाम आएगी सीटेट की उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 1 से 5th, 6 से 8 और 12th तक क्या किया गया है, सीटेट और टेट को कंसिडर कर दिया गया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है उसके ऊपर भी हम लोग स्पेशल बात करेंगे एक सेशन में, लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो है किसके ऊपर, स्पेशल 21 के ऊपर, स्पेशल 21 MCQs ऑफ पेडागोजी पेडागोजी। हम स्पेशल 21 की बात करने वाले हैं, पेडागोजी पे बेसिस वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे सीटेट 2021 को 21 को क्रैक करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स फोकस करें, अच्छे से एंजॉय करें और सेशन को लाइक जरूर करें। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस बार जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन है, और अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको आज से ही कमर कस लेनी चाहिए और इस तरह के NTF जैसे बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी लर्निंग को इन्हांस कीजिए, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए फ्रेंड, ताकि आप आने वाले टाइम में ऑनलाइन में प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन, ऑनलाइन पेपर सेट सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, तो जुड़ जाइए फटाफट। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस चीज के बारे में ये बात कर रहा है। हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेसी। भाई इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू रिलेशन नहीं रखता यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर के एस्पेक्ट्स में, इनमें से कौन सा है जो ट्रू रिलेशन नहीं रखता। इट मेक्स देम अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट करने में क्या कर रहा है, उनकी हेल्प करता है, इसके बारे में कंसिडर किया गया है। चलिए दूसरी बात करें, देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिट्रॉट्स एंड गेट्स वर्ड्स, उनकी रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिट्रॉट होती है और वर्ड्स होती है, तो नॉट ट्रू रिलेशन की बात कर रहा है, पहले वाला बिल्कुल रिलेशन रखता है। इट हैव्स टू डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशनली, ये भी डेवलप करता है। इट ब्रॉडन्स देयर मेंटल होराइजंस, ये भी ब्रॉड करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन जो बी दे रखा है वो कहीं मैच
नहीं करता, तो यहां पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नॉट ट्रू की बात की गई है। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स एट प्राइमरी लेवल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा प्राइमरी लेवल में रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए? एबिलिटी टू रीड फ्रेजेस करेक्टली, फ्रेजेस को करेक्टली रीड करना, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, उन टेक्स्ट को रीड करना जिनको हम कॉम्प्रीहेंड कर चुके हैं, ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट को समझना, एंड एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली, और क्या करना, वर्ड्स को करेक्टली रीड करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रीडिंग स्किल्स प्राइमरी लेवल पर डेवलप करना चाहते हैं, उसका ये होता है कि एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, जो टेक्स्ट आपने ऑलरेडी पढ़ लिए उनको आप किस तरीके से कॉम्प्रीहेंड करते हैं उसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एट हियर। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाइल रीडिंग ए लर्नर नीड्स टू, रीडिंग करते वक्त एक लर्नर को किसकी जरूरत पड़ती है? गेस द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, जो नए वर्ड्स आ रहे हैं उनका मीन क्या करना, प्रिडिक्ट करना, गेस करना। ट्रांसलेट द रिटन सिंबल्स इन टू द कॉरस्पॉन्डिंग साउंड ऑफ द ग्राफ्स देयर मीनिंग, ट्रांसलेट करना। परसीव द डिकोड्स लेटर इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स, डिकोड करना ताकि उनको समझ पाए। अंडरस्टैंड एवरी वर्ड टू ग्राफ्स द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, और क्या करना, हर एक वर्ड को समझना ताकि वो क्या कर पाए, मीनिंग समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। तो फ्रेंड यहाँ पे हम बात करें परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन किस चीज के बारे में बात कर रहा है? रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स, इंग्लिश को एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में रीड करने का मतलब क्या हुआ? रीडिंग अलाउड, और लाउडली रीड करना बिल्कुल नहीं कह सकते। रीडिंग फॉर ग्रामर, मीनिंग मेकिंग एंड डिकोडिंग द लेटर्स एंड वर्ड्स, डिकोड करना लेटर्स और वर्ड को, तो ये बात भी हम नहीं कर सकते, ना मीनिंग बनाने की बात कर सकते हैं। रीडिंग फॉर ए ग्रामर फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज को अगर हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज की बात नहीं करें, सेकंड लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू माना गया है? ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन्ट फॉर असेसमेंट, जितने भी फॉर्मेटिव टास्क हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? असेसमेंट के लिए बनाए गए हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग ए लेसन भी, ये रेमेडियल फॉर्म की बात कर रहा है। रेमेडियल टीचिंग का एक चैप्टर हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है, तो यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है। जब एक चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद कंडक्ट किया जाता है। व्हाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन्ट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू, भाई जितने भी फॉर्मेटिव टास्क है उनका मोटिव ये रखा गया है कि टीचिंग और लर्निंग में कहीं ना कहीं बच्चों को असेस करना कि क्या लर्निंग रह पाती है टीचिंग के मेथड में। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प अस टू ग्रेड स्टूडेंट्स इनटू द गुड एवरेज और पुअर, और फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारी हेल्प करता है स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग करने में कि वो अच्छा है, खराब है, पुअर है या रिच फॉर्म में, ये चीज़ बनाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो फॉर्मेटिव जनरली कहा जाए तो वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन्ट फॉर, सारे के सारे जो फॉर्मेटिव टास्क है वो किस चीज़ के लिए बने हुए हैं? इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, भाई आप जो टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो क्लास के अकॉर्डिंग यूज़ करें, कहाँ लैकिंग रही है उसको समझना, उसका डायग्नोसिस करना और उस हिसाब से रेमेडियल क्लासेस देना। सम आर यूज फॉर असेसमेंट टू, और उनमें से कुछ असेसमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ए रिथोरेटिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड टू गेदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, टू क्लैरिफाई ए कॉन्सेप्ट फॉर द शेक ऑफ इफेक्ट, विच इज नो आंसर नीडेड टू गेट ए फीडबैक अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट योर स्पीच एंड राइटिंग। अब यहाँ पे पूछा गया रिथोरेटिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्यों जो रिथोरेटिकल क्वेश्चन है वो क्यों पूछे जाते हैं उसके बारे में? पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, क्लेरिफाई ए कॉन्सेप्ट, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए कभी नहीं पूछे जाते, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। शेक ऑफ इफेक्ट विद नो आंसर नीडेड, ऐसे शेक ऑफ कॉन्सेप्ट को कंसिडर करना जहां पे किसी आंसर की जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन, किस तरह के क्वेश्चंस थिंकिंग स्किल्स को बच्चों में डेवलप करते हैं? फैक्चुअल क्वेश्चंस, क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया कौन सी ईयर में हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, तो ये क्लोज एंडेड होते हैं,
ये कभी नहीं मान सकते कि थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे. प्योरली रीडिंग टेक्स्ट बेसिस, जो बुक में पढ़ा उसी के बेसिस पे होते हैं जैसे एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, तो ये भी थिंकिंग स्किल्स को डेवलप नहीं करते. पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये बिल्कुल करते हैं. सपोज करें आप जंगल में जा रहे हैं, अचानक आप रास्ता खो जाते हैं, आप क्या करेंगे? तो यहां आप जंगल में खुद जा रहे हैं ऐसा महसूस करवाया जा रहा है, आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा वो आपको बताया जाता है. बात समझ में आई? तो यहां पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं कह सकते, तो यहां ऑप्शन सी को हम क्या मानेंगे? करेक्ट आंसर मान सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए. इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम आर लर्नर्स, ए टीचर गिव्स सम शॉर्ट टेक्स्ट एंड आस्क हर लर्नर्स टू फ्रेम. भाई क्वेश्चन पूछने के बजाय और आंसर लर्नर से प्राप्त करने के बजाय एक टीचर क्या करता है? गिव सम शॉर्ट टेक्स्ट, छोटे छोटे टेक्स्ट दे देता है एंड आस्क हर लर्नर्स टू फ्रेम. उन टेक्स्ट को यूज करके कुछ फ्रेम करने के लिए कह रहा है. तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, इससे उनको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी. क्या इस बात को वो कंसिडर कर रहा है? बिल्कुल नहीं. मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द टीचर इन प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर. बच्चों को ये रियलाइज करवाना कि एक टीचर क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करते वक्त या क्वेश्चन बनाते वक्त कितनी प्रॉब्लम फेस करता है, ये बात उन्हें भी रियलाइज होना चाहिए. क्या इस बात को कंसिडर कर रहा है? बिल्कुल नहीं. एनहांस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग. बच्चों की एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को भी क्या किया जाता है? एनहांस करने की कोशिश की जाती है, कंसिडर किया जाता है. इस चीज के ऊपर हम लोग क्या करें, बात करें, तो डेफिनेटली इससे ये चीज तो डेवलप होगी ही. ट्रेन द लर्नर्स टू एज गुड क्वेश्चन पेपर सेटर्स, बिल्कुल नहीं कह सकते. तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसको हम कंसिडर करके चल सकते हैं. चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए. रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज ए सब स्किल ऑफ रीडिंग मैनली इन्वॉल्व्स बाय रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज ए सब स्किल. रीडिंग बिटवीन द लाइन एक सब स्किल माना जाता है. तो ये मैनली किस चीज में इन्वॉल्व होता है? अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट्स, जो फैक्ट दे रखा है उसको अंडरस्टैंड करने की बात की जा रही है. गिविंग द सफिशियंट स्पेस बिटवीन द लाइन्स, सफिशियंट स्पेस देना. बिटवीन द लाइन्स की बात कर रहा है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. इन्फेरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द कंस्ट्रक्शन एंड वर्बल क्लूज. भाई पोएम में क्या होता है, जो कुछ लाइन में कहा हुआ है उसके पीछे हाइड मीन क्या है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और वही बात यहाँ पे हमें कही गई है. तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं. टू इंक्लूड ए नेवर गिव अप एटीट्यूड, ए सुटेबल एक्टिविटी इज वन ऑफ मेन स्टूडेंट्स. भाई नेवर गिव अप एटीट्यूड की एक एक्टिविटी आप करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए सही एक्टिविटी क्या होगी? मैनेज टू गेट द प्रिंसिपल्स परमिशन टू गेट टू गो आउट एंड प्लेइंग ड्यूरिंग द इंग्लिश पीरियड. प्रिंसिपल से परमिशन लेना और बाहर ले जाना इंग्लिश के पीरियड में. सेंग टू पॉपुलर सॉन्ग्स एंड एग्जिबिटेड सम ऑफ देयर आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क्स ड्यूरिंग द पेरेंट टीचर मीट. क्या करना, कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स गाए जाएं और एग्जीक्यूट किया जाए पेरेंट्स को उनकी क्राफ्ट्स को, एग्जीक्यूट किया जाए बच्चों के द्वारा उनकी क्राफ्ट्स को जब पेरेंट्स मीटिंग की हो तब. मैड मॉडिफिकेशन टू देयर पेपर प्लान्स एंड टेस्टेड देम अगेन, एक्सपीरियंस देम द बेस्ट वे टू गेट देम टू गो डिस्टेंस एंड शेयर देयर फाइंडिंग्स. बाहर जाना, शेयर करना कि उन्होंने जो कुछ फाइंड आउट किया वो पेपर पेन पेपर्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. एंड ग्रुप्स क्रिएटेड ग्राफ्स अबाउट द डिफिकल्ट सिचुएशन द स्टूडेंट्स हैव टू फेस इन लाइफ. और ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू ये फाइंड आउट करना कि कौन सी डिफिकल्ट सिचुएशन है जो बच्चे फेस करते हैं. तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा. मैड मॉडिफिकेशन टू देयर पेपर प्लान्स एंड टेस्टेड देम अगेन, एक्सपेरिमेंट देम द बेस्ट वे टू गेट देम टू गो एंड डिस्टेंस एंड शेयर देयर फाइंडिंग. बाहर जाना, जो कुछ उन्होंने फाइंड आउट किया उसको क्या करना, शेयर करना, यही सही ऑप्शन माना जाएगा. चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन किस चीज के ऊपर बात कर रहा है. While assessing a group work, a teacher should not focus on. जब आप किसी group work को, एक teacher group work को assess कर रहे हैं, तो कौन सी चीज को focus नहीं करना चाहिए? Showing concern for others, दूसरों को ध्यान देना. Cooperative learning process की बात करें. Assessing each child's work, हर एक बच्चे के work को assess करना. Taking initiative in works, और क्या करना, initiate लेना working में. तो हर एक बच्चे को assess नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आप group work को consider करके चल रहे हैं. Well, learners give feedback on each other's language, work, learning strategies, performance, etc. It's called. भाई जब learners क्या करते हैं, feedback देते हैं हर एक तरह की language, work, learning strategies का, performance का, तो ये क्या कहलाएगा, formal assessment, group assessment, self assessment. It is self assessment.
एंड पीयर असेसमेंट, तो ये कौन से टाइप का असेसमेंट कहलाएगा, इस चीज के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ग्रुप की बात की जा रही है और ग्रुप की बात आएगी तो डेफिनेटली ये क्या कहलाएगा आपका, पीयर असेसमेंट कहलाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। साथ वालों के बेसिस पे वो आपको क्या कर रहे हैं, लर्नर्स अपना गिव फीडबैक दे रहे हैं, तो ये पीयर असेसमेंट होगा, क्या रहा कैसा रहा उसके बारे में। वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स ए टीचर शुड नॉट, जब पेरेंट्स को फीडबैक दिया जाता है तो टीचर क्या नहीं होना चाहिए, ये क्वालिटी फीडबैक अबाउट द चाइल्ड, क्वालिटी फीडबैक दे, शेयर द इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड इन द इंसिडेंट्स, जो जो इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया गया, जब उसका एनालिसिस किया गया, इवेल्युएशन किया गया, उनको बताए, कंपेयर द चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों से उसका कंपैरिजन किया जाए, कंपेयर द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड विद हर प्रीवियस परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस का प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपैरिजन किया जाए। तो हमें पूछा गया कि कौन सा नहीं बताए, तो ये बता सकता है, दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करना क्या सही रहेगा, ही क्वालिटी फीडबैक अबाउट द चाइल्ड, शेयर द इंसिडेंट्स रिकॉर्डिंग दैट, ये भी बताना जरूरी है, ये भी बताना जरूरी है, और राइट सेकेंड भी कह सकते हैं, कंपेयर द चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों से कंपेरिजन करना किसी बच्चे का ये सही नहीं माना जाएगा। राइट चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटीरियल, इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सही नहीं माना जाएगा, किसमें, टीचिंग लर्निंग मटीरियल में, ब्लैक बोर्ड कैन बी यूज फॉर पुटिंग that cut outs of the newspapers and magazines, teaching can be effective through use of audio visual classes, बिल्कुल बात सही है, audio visual have the comprehend difficult or monotonous content, बोरिंग और जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उसको समझाया जा सकता है, ये बात भी सही है, टेक्स्ट बुक्स आर वन ऑफ द मेन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज इन क्लासरूम, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड जो है उसको कटिंग पुट आउट न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए, वो नोटिस बोर्ड होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, अच्छी टेक्स्ट बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स आप किसको मानते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। The introduction at the beginning and conclusion at the end of the chapter should be given in the textbook. ये characteristics माना जाता है, बात सही है। There should be the both practice and text exercise at the end of the chapter. Practice और text exercise होनी चाहिए। The binding should be proper and strong. ये भी होना चाहिए। No difficult words and new words are given in a good textbook. Difficult और new words नहीं दिए जाने चाहिए। तो अब बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे properly अगर बात की जाए तो A, B और C. डी कंसिडर नहीं हो रहा, तो ए बी और सी जो है वो यहां पे मैच हो सकता है, तो ऑप्शन ए यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा वो यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए मेरी बात। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस चीज के बारे में कह रहा है, 16 नंबर, हाउ डज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हाउ डज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग, हाउ डज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग इन क्लास 5th एंड 6th टू एनहांस एक्यूरेसी इन द स्टूडेंट्स राइटिंग, कैसे कर सकती है, रैपिड ड्रिल वर्क से, डिटेल एरर फीडबैक से, स्पेलिंग एंड ग्रामर, दिस इज ग्रामर चेकिंग से, और फॉर्मेटिंग एंड फॉर्ट डिजाइन से, कौन से मेथड से ये चीज हेल्प कर सकती है, तो डेफिनेटली डिटेल्ड एरर फीडबैक कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं भाई, टेक्नोलॉजी में जो कुछ आप टाइप करते हैं आजकल ग्रामली जैसे कॉन्सेप्ट चले गए जो अंडरलाइन करके आपको बता देते हैं कि ये सेंटेंस गलत है या स्पेलिंग गलत है, तो ये चीज बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हम क्या मान सकते हैं, एक्यूरेट आंसर मान सकते हैं। व्हाइल टीचिंग ए वन एक्ट प्ले ए टेबुलिया कैन बी यूज एज वन ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजी, द टेबुलिया रेफर्स टू, यहाँ पे जो टेबुलिया यूज किया गया वो किस चीज के लिए यूज किया गया, हमें ये पूछा गया है। साइलेंस स्टिल इमेज मेड बाय द एक्टर्स पोजिंग एज करेक्टर्स, टेबल्स का मतलब एक डमी पीस आपके सामने रखा गया है, तो एक एक्ट के ड्यूरेशन में, तो वो क्या काम कर रहा है, एक साइलेंट स्टिल इमेज के रूप में एक्टर के पोजिंग फॉर्म को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए को हम यहां पे क्या कर लेंगे, एक्यूरेट मान लेंगे, ना ये मैच कर रहा है ना ये मैच कर रहा है। ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द लर्न नॉलेज, एग्जाम्पल इन वर्ड प्रॉब्लम्स, द स्टूडेंट ऑल्सो फेल्स टू ट्रांसलेट सेंटेंसेज इन टू द इक्वेशन और आइडेंटिफाई द टेक वेरिएबल्स, ए पॉसिबल सॉल्यूशन
टू दिस प्रॉब्लम कुड बी, भाई एक बच्चा क्या कर रहा है, जो कुछ उसने लर्न किया उस नॉलेज को वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करवा पा रहा है, जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो वर्ड पढ़ा ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा है, सेंटेंस को प्रॉपरली ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा, तो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? अलाउिंग मोर टाइम टू कंप्लीट द सेम एक्टिविटीज, ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए, ये कोई सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। गिविंग ओनली सिंपल असाइनमेंट टू बूस्ट अप देयर कॉन्फिडेंस, सिंपल असाइनमेंट दिए जाए ताकि बच्चा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर पाए। पेयरिंग हिम और विद द हाई अचीवर्स एंड गिविंग केयरफुली डिजाइन असाइनमेंट सिंपलर, ज़्यादा समय दिया जाए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं कह सकते। बहुत सिंपल असाइनमेंट से भी नहीं कह सकते। पेयरिंग में अचीवर के साथ डाल दिया जाए तो वो हमेशा डिमोलाइज महसूस करेगा। गिविंग केयरफुल डिजाइन असाइनमेंट सिंपलर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हाँ ये बात जरूर सही है, उसे केयरफुली डिजाइन असाइनमेंट दिया जाए जो सिंपल से किसकी ओर बढ़े, कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़े, ये ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एट योर। चलिए फ्रेंड 19 नंबर देखिए, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसको हम लोगों ने IEP के नाम से आइडेंटिफाई किया, विद इंटेंसिव सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट टू कंसोलिडेट देयर बेसिक नॉलेज इज रेफर टू एज। तो ये जो कंसोलिडेटेड बेसिक नॉलेज था ये किसके लिए रेफर किया गया? एडवांस स्टडी प्रोग्राम के लिए, इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के लिए, रेमेडियल कोचिंग के लिए और रिविजन सेशन के लिए। किस चीज में हम इसको यूज करते हैं? डेफिनेटली रेमेडियल जो कॉन्सेप्ट है कोचिंग क्लासेस में इसको यूज किया जाता है, ये रेमेडियल क्लासेस का ही एक टेक्निक मानी जाती है, ये हम लोगों ने रेमेडियल लर्निंग मेथड या टूल्स में बात की है। चलिए फ्रेंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। ए पर्पजफुल कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क दैट डेमोस्ट्रेट्स दैट एफर्ट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड, एक पर्पजफुल कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क, पर्पजफुल कलेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट के वर्क का, दैट डेमोस्ट्रेट्स देयर एफर्ट्स, जो क्या करते हैं उनके एफर्ट्स को डेमोस्ट्रेट करते हैं, उनके प्रोग्रेस को और उनके अचीवमेंट्स को जो उन्होंने प्राप्त किया है, ये क्या कहलाएगा आपका? इंसिडेंटल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट और राइटिंग स्किल, क्या कहलाएगा? डेफिनेटली क्या कहलाएगा? पर्पजफुल कलेक्शन जो कहलाएगा। पोर्टफोलियो में क्या होता है, ड्यूरेशनली हम उसको डिवाइड करते हैं, चेकलिस्ट में गुड मार्क और बैड मार्क को, राइटिंग स्किल्स में परफॉर्मेंस को राइटिंग फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर्पजफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिविंग इफेक्टिव फीडबैक टू द लर्नर्स मीन, इफेक्टिव फीडबैक देने का मतलब क्या हुआ? डायग्नोसिंग प्रॉब्लम एंड गाइडिंग द लर्नर्स हाउ ऑन हाउ टू इम्प्रूव, उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोसिस करना, पता करना उनका, उनको गाइड करना कि कैसे वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। करेक्टिंग द मिस्टेक्स इन द क्लास, उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करना। गिविंग अप्रोप्रिएट टाइम एंड स्पेस फॉर करेक्शन, सही टाइम देना और स्पेस देना करेक्शन के लिए। फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल एज एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करना और डेवलपमेंट के एरिया पे फोकस करना। तो इफेक्टिव फीडबैक हम उसको कहेंगे जहाँ पे उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाता है और उन्हें गाइड किया जाता है कि किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ऑप्शन ए को हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, इज द करेक्ट आंसर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था आज का सेशन जिसपे हम लोगों ने बात की 21 स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ फॉर 21st स्पेशल क्वेश्चंस के ऊपर हम लोगों ने बात की। आगे की फर्दर स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। हम बात करने वाले हैं अगले सेशन में हाउ टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग CTET एग्जाम, आने वाली CTET एग्जाम की तैयारी कैसे करें ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसी पे हम सारे के सारे मिलकर काम करेंगे ताकि जो टारगेट हम लोग अचीव करना चाहते हैं, जहां हम लोग पहुंचना चाहते हैं, उस टारगेट तक हम डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी बाय योर म्यूचुअल एफर्ट्स, आपके खुद के एफर्ट्स से। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा कि हम जो पाना चाहते हैं वो हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम स्पेस ऑन द एंट्री ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स लेट्स क्रैक इट, और अगर आपको क्रैक करना है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, टीचर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, तो आज ही अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच बीइंग विद मी ऑन एंट्री एप्लीकेशन।